गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा ये चैनल में फिल्म रिलेटेड जितनी सारे बात है मैं सारे बात बताने वाला हूँ। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। जिन भाइयों ने नए नए फिल्म बात पढ़ने की शौक रख रहे हैं मन में, उन भाइयों के लिए तो सबसे अच्छा होगा मेरा ये वीडियो कि मैं सही जानकारी दूंगा फिंच वर्ड पढ़ने की। सबसे पहले देखिए, जो फिंच वर्ड है वो रखने का जो तरीका है वो ठीक तरीके से आना चाहिए। मैं देखिए किस तरीके से फिंच वर्ड रख रहा हूँ। पिंजरे की पूरा बाहर जो है एक पॉलीथीन से मैं पूरा ढक के रखा हूँ, और सामने देखिए एक नेट लगा हुआ है ब्लू कलर का, वो सामने की तरफ रहता है। अभी बस आपको मैं दिखाने के लिए वो नेट को मैं उठा के रखा हूँ, और साथ में मैं अभी सुबह का जो दाना और पानी है वो भी मैं दे दिया हूँ। अभी देखिए जो पॉलीथीन है, ये पॉलीथीन कभी खोलना नहीं चाहिए, ऐसे ही 12 महीना पूरा ऐसे ही रहेगा। बस दिन में ऐसे खोल के रखिए, और सामने जैसे आपको बोला वो ऊपर जो ब्लू कलर का नेट है वो नेट से आप सामने की तरफ ढक के रखिए। पूरा दिन ऐसे रखने के बाद आप रात को बस ये प्लास्टिक को आप ऊपर से खोल के नीचे टाइट करके बांध दीजिए, ताकि बाहर का कुछ भी चीज़ अंदर ना जाए। ऊपर देखिए आप मैं बांध के रखा हूँ, बस उधर से खोल दीजिए। देखिए ऐसे प्लास्टिक रखने से रात के लिए सबसे अच्छा फ़ायदा है चूहा, जो रात को दाना खाने की जो चक्कर में चूहा आ जाता है। ऐसे प्लास्टिक को आप आपसे बांध के रखेगा तो चूहा अंदर नहीं आएगा। दिन में बस ऐसे रख दे, दिन में चूहा हुआ कुछ नहीं आता है। तो ये प्लास्टिक और सामने का नेट, ये जो है ये दो चीज़ डालने से आपको तीन चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। एक, रात का चूहा अंदर नहीं आएगा, और सामने जो नेट है वो लगाने से बाट उतना जल्दी, अगर आप बाट के इसके सामने जाओगे तो बाट उतना जल्दी डरेगा नहीं। दो हो गया, और अंदर बाट रहेगा तो उसका जो दाना है नीचे गिरता है, उसमें दूसरा बाट आता है, दूसरा जानवर आता है उसमें भी बाट डरता है, तो उसमें भी बाट डरेगा नहीं। और बस ये हो गया। अभी बाट को सॉफ्ट फूड देना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 3 बार तो दे दीजिए। 3 बार में आप चावल डालिए, नहीं तो दूसरा चीज़ है छत्तू है वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो पोहा डाल सकते हैं। अभी डालने का तरीका जो है कैसे कैसे डालें वो भी आपको मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में। और एक बात है, मैं बाट को जितना ज़्यादा दवाई नहीं देता हूँ बहुत कम। अभी देखिए, और एक चीज़, यहाँ बाट का जो टोकरी है ऐसे जो अभी आपके सामने जो 3 टोकरी है, ऐसे टोकरी आपको कभी भी नहीं डालना चाहिए, सही नहीं है बाट के लिए। देखिए टोकरी जो है एकदम बिल्कुल छोटा छोटा, और उसके अंदर अगर बाट नेस्टिंग लेके जाएगा जब तो और भी छोटा हो जाएगा। और इसके अंदर देखिए आप अगर 4-5 अंडा ले किया है तो अगर वो बच्चा निकलेगा जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो बड़ा जो बाट है वो अंदर जाने की जगह नहीं रहता है। इसलिए क्या होता है, बाट छोटा छोटा जो चिक्स होता है उसे ठीक से फीड नहीं कराता है। बस आपको दिखाने के लिए ये 3 चीज़ मैं रखा हूँ। और मेरा जो पिछले जो एक शॉर्ट वीडियो है उसमें देखिएगा, बड़ा बड़ा एक मिट्टी का जो हांडी होता है वैसा डाल के रखा हूँ, वैसा बड़ा बड़ा चीज़ डाल रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं आपको साइज़ भी बताऊँगा, और अच्छा नेस्टिंग देना चाहिए बाट के लिए जो बाट पसंद करता है। और एक चीज़ आपको एक दिखाऊँगा, बाट को हम जो सॉफ्ट फूड देता है वो सॉफ्ट फूड देने से और एक चीज़ आता है बाट केस के अंदर, वो है लाल चींटी। वो लाल चींटी बहुत डेंजरस चीज़ है, बाट उसमें डरता है, वही डर के कारण बाट अंडा नहीं देगा, ठीक ठाक घोंसला नहीं बनाएगा, ये सारे प्रॉब्लम होता है। अभी आपको वो चीज़ लाइव दिखाऊंगा, आप देखिएगा। देखिए मैं अभी सॉफ्ट फूड डाला हूँ,
बाट बहुत खा रहा है शौक से। तो देखिए ये देखिए ये लाल चीटी हाजिर हो गया। अब ये भी मारने की एक दवा है, देखिए क्योंकि ये देखिए सामने एक पाउडर है, वो तो पाउडर डालने से ये लाल चीटी सारे मर जाते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ये सारे चीज़ से। अभी आप देखिए दिन में अगर ये लाल चीटी आके बर्ड्स को परेशानी करेगा, रात को चूहा आके परेशानी करेगा, तो ऐसे में थोड़ी बार ना इसे अंडा देगा ना अंडे को सेक के बच्चा निकालेगा। बर्ड्स को हमेशा लगना चाहिए कि मैं ये पिंजरे के अंदर सेफ हूँ। अगर अंदर सेफ महसूस करेगा तो बराबर से वो घोंसला बनाएगा, अंडा भी देगा, बच्चे भी निकलेगा। देखिए ये सब चीज़ अगर नहीं रहेगा तो ऐसे बर्ड बहुत अच्छे से रहेगा। और एक बात है, ये जो बर्ड पालने की जो क्लास होता है ये क्लास आपको कभी ख़त्म ही नहीं होगा, आपको जानकारी के बाद जानकारी, जानकारी के बाद जानकारी ऐसा रहेगा। लेकिन मैं पूरा वीडियो पार्ट पार्ट में लाऊंगा और आपको सब कुछ बिल्कुल समझ में आए ऐसा वीडियो। जो भाई नया पार्ट पढ़ने के शौक हो रहा है मन में उनके लिए तो बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो मेरा वीडियो में। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन को ऑन करके रखें और समझने की कोशिश करें। और आप जो ये छोटा छोटा जो टोकरी देख रहे हैं ये टोकरी बिल्कुल ना लगाएं, उससे बदले आप अगर जो बजरी का जो है वो मटकी होता है उससे एक साइज छोटा ये भी नहीं दूसरा अगर एक है वो लगाएगा तो बहुत सही रहेगा। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे सब कुछ बताऊंगा मटकी के बारे में। इसके लिए मुझे एक पार्ट पार्ट वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आए। ये जो मेरा प्यार है बहुत अच्छे एक प्यार है, ये हमेशा मुझे खुश रखता है। देखिए मैं बर्ड को बहुत ही कम दवा यूज़ करता हूँ, जो जो चीज़ हम उसको देते हैं वो उसमें ही सब कुछ सही रहता है। विटामिन कैल्शियम सब भर के खाने के ज़रिए मैं इनको देता हूँ। बस आपको मैं जानकारी दूंगा लेकिन एक ही वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन को ऑन करके रखें ताकि मैं पार्ट पार्ट जो चीज़ आपको बताऊंगा आपको बराबर समझ में आए। और एक बात है, आप अगर एक दो चार पिंच लाना चाहते हैं और उसे ही आप अगर पहले ही बिजनेस की नज़र में आप देखोगे तो आपका बर्ड्स कभी सही नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आता जाता रहेगा। पहले आपको ये बर्ड्स को आपको सोचना होगा कि ये आपके बच्चे हैं, उसे बस बढ़ाना है और सही से देखभाल करना है तो ही आपका बर्ड सही रहेगा, सही से अंडा बच्चा करेगा और सही रहेगा। देखिए मेरा नीचे मत देखिएगा, नीचे थोड़ा गंदगी है लेकिन उतना बदबू नहीं है, मैं थोड़ा साफ सफाई कम रखता हूँ क्योंकि फिंच बर्ड बहुत ज़्यादा डरता है, वो डरते हैं इसलिए ही मैंने नीचे साफ सफाई कम करता हूँ लेकिन करता हूँ। ये वीडियो में आपको अगर नजर या वीडियो में आपको नज़र में नहीं आएगा देखिए फिलहाल मेरे पास अभी थोड़ा बस फिंच है, जब मेरे पास बर्ड्स था तब मेरे पास वीडियो नहीं था और आज मेरे पास बर्ड नहीं है और अभी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। एक टाइम पे मेरे पास भी एक बहुत बड़ा घर था बर्ड का, जो उसका 14 फीट बाई 8 फीट और 8 फीट नहीं 6 फीट हाइट है। फिलहाल अभी वो घर का हालत बहुत ही ख़राब है और कुछ कारण के लिए मुझे वो बर्ड पूरा बेचना पड़ा। उसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मेरा चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखें। आपसे वादा करता हूँ कि फिंच के बारे में सही जानकारी आप तक मैं पहुँचाऊँगा। तो फिलहाल बस वीडियो इतना ही, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। मैं नेक्स्ट वीडियो में सोचूंगा आपको छोटा वीडियो में आपको बराबर समझने की चीज़ मैं ला सकूँ। तो बस तो ये वीडियो बस यहीं तक ख़त्म करता हूँ।